हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन आज शुक्रवार का, तारीख है 27 मई और सुबह के बज गए हैं 4:30। 4 बजे मैं उठ गई थी। एक्चुअली कल क्या हुआ था कि मैं रात को, मेरे को सोते सोते 12 बज गए थे और उसके बाद मैं ये सोचकर सोई थी कि मैं आज 4:30 बजे तो मैं उठूँगी, उसके बाद नाश्ता पानी वगैरह, वरुण का लंच जो है, वो जो कुछ भी मुझे बनाना है लंच में वो मैं रेडी करूँगी। लेकिन वही होता है ना, एक आदत जब इंसान को लग जाती है ना, इतने बजे उठना ही उठना है, तो उसकी आँख जो है उस टाइम के आसपास में जो है अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है। और उस टाइम, उसके बाद क्या होता है, शरीर अलाउ ही नहीं करता कि आप जो है बिस्तर में पड़े रहो, अपने आप ही हो जाता है कि उठ जाओ और अपना काम पर जो है वो लग जाओ, नींद भी नहीं आती है। तो जी यहाँ पर जो वरुण को मैंने उठा दिया है, मैं भी चाय पानी वगैरह पी के और फिर थोड़ी देर घूमी हूँ मैं, और उसके बाद जो है अपने काम पर लगी थी। चाय मैंने पी, उस टाइम मैंने आलू सिम गैस पर रख दिए थे, आलू का पराठा बना रही हूँ आज भी। कल भी मैंने आलू का पराठा ही दिया था और आज भी मैं आलू का पराठा ही दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी उसके बाद जो वो छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी और वरुण ने आलू के पराठे के लिए बोला था, तो इसलिए मैंने आलू का पराठा बना दिया। और वरुण जब ब्रश करने चला गया तब तक सीटियाँ लगेंगी। और क्या हुआ कि मैंने 7 से 8 सीटियाँ लगवाई आलू में, लेकिन जो है आलू फिर भी जो है वो कच्चे रह गए। ये देखिए, ये करीबन 4:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया और हल्का हल्का जो है, बिल्कुल हल्की मीठी जो होता है ना कि दिन निकलना शुरू हो गया है, लेकिन उसमें पता है क्या, वो सीटियाँ नहीं लगी। और फिर मैंने सीटियाँ लगी लेकिन आलू कच्चे रह गए, फिर मैंने और सीटियाँ लगवाई। जो है वरुण अभी नहाने जाएगा, तब तक मैं वरुण की ड्रेस है वो प्रेस कर दूंगी, क्योंकि मैंने पानी जो है वरुण का गर्म होने के लिए रखा है। मौसम 4-5 दिन से ठंडा है तो इसलिए मैं हल्का गुनगुना पानी देती हूँ बच्चों को नहाने के लिए, क्योंकि ठंडे मौसम में ना बीमार होने का वो रहता है, मुझे भी हल्का कोल्ड जो है वो हो गया है। अच्छा, जो है मेरे पास ना कई सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी आप जो इतना जल्दी उठ कैसे जाते हो, इतना जल्दी मैनेज कैसे कर लेते हो, आपको तो बिल्कुल मतलब शेलूट है कि इतना जल्दी आप उठ के सारी चीज़ें आप मैनेज, अकेले 2 बच्चों के साथ जो है वो मैनेज कर लेते हो। तो जी वही बात है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि एक इंसान को जब उठने की आदत होती है ना, जिस काम से शरीर को, जिस काम को करने की आदत होती है, तो वो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आंखें खुलने शुरू हो जाती हैं और ऑटोमेटिक हाथ पैर चलने जो वो शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर जब आपको ये पता हो ना, आपके लिए छोटी सी भी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, सारा चीज़ें आपको खुद करनी है, तब खासकर जो अपने आप के हाथ पाँव जो है अपने आप चलने लग जाते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं मेरे पास कि दी हम आपके पूरे परिवार को देखना चाहते हैं, आपके सास ससुर से भी, को भी से भी मिलना चाहते हैं, वीडियोस में लेकर आओ, आपके हस्बैंड से भी मिलना चाहते हैं, उनको भी वीडियोस में लेकर आओ। तो सास ससुर के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी, उसके लिए तो मुझे शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दोनों में से कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास पहले मेरी दादी सास थी, वो करीबन जब हिमांक पेट में था 6 महीने का, तब जो है दादी सास गुजर गई थी, उस टाइम हम गांव में थे। उससे करीबन 6-7 महीने पहले हिमांक के दादाजी गुजर गए थे और उससे, और मेरी सास को गुजरे हुए कम से कम 23 साल जो है वो हो चुके हैं। 27 जनवरी 2000 को वो है, मेरी सास जो है वो गुजरी थी, पूरे सन 2000 में गुजरी थी। तो जी वो तो लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं, हम लोग अकेले ही हैं जो कुछ भी हैं। और जहाँ तक बात है मेरे हस्बैंड की, यानी हिमांक के पापा की, तो उनका ड्यूटी का टाइम ऐसा ही होता है कि वो जैसे रात को आ रहे हैं, रात को आते ही किसी के सामने कैमरे, मुंह पे आप कैमरा लगाते थे हो, तो उनको ये चीज़ हारा थका इंसान जो एक ड्यूटी से आता है, डेली भी नहीं आता, एक दिन छोड़े एक दिन आ जाता है, या कभी डेली भी मान लो आ भी जाए, तो आते ही किसी भी के, मतलब चाहे कोई भी क्यों ना, अगर कोई हमारे मुंह पे भी कैमरा लगाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आते ही इंसान ये सोचता है कि एक गिलास पानी मिल जाए, कुछ खाने पीने को मिल जाए, पेट भर जाए, क्योंकि ड्यूटी देना पुलिस वाले की जो है ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, आप सबको पता ही है। और हाँ, बहुत बार मैं कमेंट्स में बता चुकी हूँ, पुलिस में है मेरा हस्बैंड, बहुत बार जो है, आज जो नए सब्सक्राइबर्स, नए प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो अब भी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ कमेंट्स मेरे पास ये आए थे कि दी आप पहली यूट्यूबर ऐसी हो जो लगभग सारे के सारे 100% कमेंट्स को आप जवाब देती हो, और कोई भी मतलब अगर पूरा जवाब अगर ना दे पाओ तो एटलीस्ट आप अगले नेक्स्ट डे वीडियो में एक्सप्लेन कर देती है। तो जी देखो, हम वीडियोस बनाते हैं, आप लोग वीडियोस को वॉच करते हो, आपका क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर करना हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। हर चीज़ का आप हमें देखते हो तो सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो, चाहे मैं काम कैसे कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ, जो कुछ भी है सारी चीज़ें आप जो है वो जानना चाहते हो, और हमारा
बनता भी, अगर आप टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देख रहे हो तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है आपके सारे कमेंट, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करना हमारा जो है वो फ़र्ज़ बनता है। तो जी रात को जो मैंने कपड़े धोए थे ना तो उतार के मैंने हल्के सिले थे, उतार के मैंने चेयर पे बाहर ही रख दिए थे, ये था कि रात को आंधी ना आ जाए या कोई मतलब बारिश वगैरह ना आ जाए तो एक साइड मैंने कर दिया था। अभी आधा घंटा इनको सुखाऊंगी, आधे घंटे में एक अच्छी खासी हवा जो इन पर लग जाएगी और फिर जो ये सूख जाएंगे। अभी मैं वरुण को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़कर अभी जाऊंगी, तभी अब जो है बस स्टॉप पर छोड़कर आ गई हूँ मैं वापस। आने के बाद मैंने आज मैं दोबारा चाय जो है वो पी है, क्योंकि दो तीन दिन से मुझे भी कोल्ड जो है वो हो गया, हल्का हल्का फीवर जो है वो ठंड के साथ जो वो मुझे महसूस हो रहा था, तो मैंने दोबारा चाय पी है, नाश्ता थोड़ा सा मैंने किया और जो है दवाई मैंने ले ली है। और अभी जो है आज मेरे पास मौका था, हिमाग सो रहा था, काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मैं ड्रेसिंग टेबल साफ करूं, लेकिन क्या होता है ना हिमाग इधर से उधर सामान फैला देता है, तोड़फोड़ करता रहता है ना, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर में मुझे बहुत सोच समझ कर जो है उन पर काम करना होता है, और यही मैं मौका ढूंढती रहती हूँ कब जो है मुझे मौका मिले काम करने का, कब उन चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँ। अगर मैं डेली मैं 4 बजे देखो उठती हूँ, कभी काम का प्रेशर ज़्यादा होता है मैं 3 बजे भी उठ जाती हूँ कभी कभी, और 4 बजे से मैं 4 बजे उठी थी तो मेरा सारा का सारा काम जो है 4 बजे उठने के बाद मेरा 9 बजे तक टोटली मेरा डबल फ्लोर का काम जो है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे पास ऊपर का भी काम है और नीचे का भी झाड़ू पोछे का भी बहुत सारा काम हो जाता है, डस्टिंग क्लीनिंग का, डेली इतनी धूल मिट्टी होती है, गेट वगैरह साफ़ करना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो यहाँ पर जैसे ड्रेसिंग टेबल जो मैंने साफ़ किया उसी के तुरंत बाद जो है वो हिमांग सोकर उठ गया था, तो फिर बस मेरा इतना ही था कि फटाफट से मैं जो सामान मैंने निकाला है उसमें से जो सामान मेरे को अंदर रखना है वो मैं अंदर रख दूं, जो मुझे डोनेट करना है वो अभी और या मुझे फेंकना है, मुझे मेरे यूज़ का नहीं है, एक्सपायरी हो गया वो सामान, अभी तो मैं सारा एक साथ एक टब में रख रही हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरे को भी जल्दी थी क्योंकि हिमांग सोकर उठ गया था और वही होता है ना बच्चे के साथ काम को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने सारी चीज़ें फटाफट से ऐसे करके, और हिमांग के पापा को भी जो है वो नहा रहे थे, उनको ड्यूटी जाना है, उनका भी खाना वगैरह बनाना है, तो उनके जाने से पहले मैंने ये सारा काम जो है आज ड्रेसिंग टेबल का जो है वो ख़त्म कर दिया। दिखने को ये एक बहुत ही छोटा सा काम लग रहा है लेकिन ड्रेसिंग टेबल को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो वाली चीज़ जो है वो है। तो बस फटाफट से मेरा हो गया है ये, अभी जो है हिमांग के पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, नाश्ता पानी हो गया है, हिमांग को भी मैंने करा दिया है, और अभी झाड़ू वगैरह निकाल के एक बार तो मैंने ये सारे गद्दे वगैरह सेट कर दिए थे, सोफ़े वगैरह सेट कर दिए थे अच्छे से, लेकिन फिर से जो है हिमांग ने फैला दिए, तो मुझे लगा एक बार पोछा लगाने से पहले जो है मैं इनको सेट कर लूँ फिर से। और बीच में दूध वाले भैया आ गए थे, और छोटे मोटे काम जो ना छोटे मोटे इतने सारे होते हैं कि जो अभी हिमांग देखो, हिमांग मैं नीचे गई तो मेरे साथ नीचे गया, मैं ऊपर आई तो मेरे साथ साथ ऊपर आया, मतलब ऐसा ही होता है, ध्यान से चलना पड़ता है जीने में, कहीं बच्चा जो है वो पैर के नीचे ना आए, पैर ना मार दे, क्योंकि हिमांग वैसे भी काफ़ी शरारती है, ध्यान से हमें जो है वो चलना होता है। और बस ये सारा सेट करके मैं हिमांग के लिए अभी थोड़ी देर टीवी चलाऊंगी, ताकि जो है हिमांग अगर उसे उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको देखना था वो आधा घंटा भी देख लेगा, अगर उसको नहीं देखना तो वो आधी मिनट भी जो है वो टीवी नहीं देखेगा, और इसी मौके का फिर अगर मान लो वो 15-20 मिनट भी देख लेता है ना तो मैं हाथ थोड़ा और जल्दी जल्दी चलाती हूँ और मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और मैं अपने काम जो पे वो लग जाती हूँ। बस एक बार बच्चे का पेट प्रॉपर भर के लगो, आप अगर मान लो बच्चा सोकर उठ गया है ना तो एक बार प्रॉपर बच्चे का पेट भर दो और फिर उसको या खेलने के लिए छोड़ दो थोड़ी देर, या फिर कुछ देर अगर वो टीवी देख सकता है तो टीवी देखने के लिए छोड़ दो, जब तक आपके सारे काम जो है वो मैनेज हो जाएंगे। बस अभी पोछा वगैरह लगाऊंगी, दूध उबलने के लिए मैंने सिम गैस पर रख दिया है, पोछा लगाने के बाद जितना भी ड्रेसिंग टेबल का सामान जो मैंने डोनेट करने के लिए निकाला था और डस्टबिन में डालने के लिए मतलब जो एक्सपायरी हो गया था वो मैंने निकाला था उसको अलग अलग करूँगी, और कुछ पे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है उनको भी मैं साफ़ करने वाली हूँ जो मुझे अंदर रखना है। 3 तरह का सामान जो है मैंने एक टब में निकाला है, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत सामान जो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा था ना उस पर भी धूल मिट्टी जो है वो जम गई है, और ये एक सारा काम ख़त्म करके गर्मी मतलब एक है ना अजीब सी गर्मी जो है वो हो गई थी। आप ये कह रहे अगर पंखे के नीचे अंदर घर के अंदर होते ना तो आपको पंखे के नीचे भी ठंड लगती हल्की हल्की, आपको मतलब हल्का फुल्का जो कॉटन का कपड़ा है वो ओढ़ के तब लेटना होता है,
लेकिन आप घर से बाहर निकलते हो ना तो एक अजीब सी गर्मी जो है वो बननी जो शुरू हो जाती है। तो वही काम अभी यहाँ पर हो गया था और यही काम करते करते ये करीबन जो है 9:45 के आसपास का टाइम हो गया था। बस ये काम ख़त्म करके मैं जाऊँगी नहाने और मेरा ऊपर से नीचे तक का सारा काम जो है दोनों फ्लोर्स का जो ख़त्म हो गया है। उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं जो है वो करूँगी, सिर वगैरह धोना है और मुझे तेल वगैरह लगाना है। सुबह मैं जो उठी तब मुझे याद था कि मुझे तेल लगाना, लेकिन अचानक फिर से वही काम के चक्कर में माइंड से स्लिप हो गया। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब नहाने के जब मैं वरुण को लेने जाऊँगी उससे पहले जो है मैं तेल लगा लूँगी और उसके बाद जो है 2-3 घंटे के बाद जो है वो मैं बालों को वॉश कर लूँगी। जब भी मैं कोई भी ऑयल लगाती हूँ ना तो मैं करीबन 2-3 घंटे रखती हूँ, उसके बाद मैं बालों को वॉश जो है वॉश करती हूँ। अच्छा जी, बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप बालों में कौन सा तेल लगाते हो। तो जी मैंने पहले भी बताया था और मैं कौन कौन सा तेल लगाती हूँ, जो नए व्यूअर जुड़ रहे वो मेरे से पूछ रहे थे। तो जी वैसे तो ना मैं जो तेल बदल बदल कर लगाती रहती हूँ, मेरी स्किन को सारी चीज़ें सूट हो जाती हैं तो मैं तेल जो है वो बदल बदल कर लगाती रहती हूँ। लेकिन सरसों का तेल जो होता है वो तो मैं लगाती ही हूँ, लेकिन जो भी मैं तेल बदलती हूँ, एक आंवले को छोड़कर आंवला मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जो भी मैं तेल लगाती हूँ एक बार एक डिब्बी को यूज़ करती हूँ, उसके बाद दूसरा जो है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। एक तेल पर फिक्स रहना या एक शैम्पू पर फिक्स रहना मैं बिल्कुल भी वो नहीं होता। फिलहाल आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये ब्रिंगराज आंवला का, ये ब्रिंगराज का है, आंवला ब्रिंगराज विद बादाम ऑर्गन ऑयल है, ये स्टैमियो ब्रांड का है और इसमें आंवला है, ब्रिंगराज है, काफ़ी सारे जो है वो इसमें इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। नीम की ब्रिंगराज है, आंवला है, ब्राह्मी है और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो इसमें मिली हुई हैं। और उसके ना तेलों के हर तेल का देखो अपना एक फ़ायदा होता है। आंवला और ब्रिंगराज तो वैसे भी जो है बालों के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, लगाने में भी अच्छा होता है। और मतलब तेल का क्या क्या होता है कि अगर आपके डैंड्रफ हो रखा है उसको कम करता है, आपकी हेयर की ग्रोथ कम है उसको मतलब उसको स्ट्रेंथन करता है, प्रमोट करता है, बालों को प्रमोट करता है और भी काफ़ी सारे यूज़ है उसमें। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो डिटेल में दी हुई हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ कितने कितने ग्राम है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मेरे से पूछा जा रहा था और मैंने कहा था कि मैं अपने बालों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अभी, तो अभी ये देखो ये भी कितना सारा मैंने लगा लिया है। और तो पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है मैं आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ। और ये है शैम्पू आंवला ब्रिंगराज का विद बादाम आर्गन ऑयल, और बादाम आर्गन ऑयल तो वैसे भी हम बच्चों की मसाज के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने लिए भी काफ़ी सारा जो है वो यूज़ करते हैं, तो उसका भी बहुत सारा जो है वो फ़ायदा होता है, रिड्यूस जो है हेल्प करता है टू रिड्यूस द हेयर फॉल, मतलब आपके अगर आपके बाल गिर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब अगर आपके बालों की ग्रोथ अगर कम है तो उस बालों की ग्रोथ को वो बढ़ाता है, बालों की जो वॉल्यूम होती है उनको भी इंक्रीज करता है, बहुत सारे जो है जितने भी डैमेज हेयर आपके होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। कई बार ऐसा होता है ना अगर हम बालों में हाथ लगाते हैं ना तो ऐसे ही खुरदरे खुरदरे से अजीब से महसूस होते हैं, हाथ लगाने का मन नहीं करता। और एक बात बताऊँ, अगर आप तेल लगाते हैं ना उस टाइम आपको ना ब्रिंगराज की हल्की हल्की खुशबू जो है वो महसूस होगी, और जो अगर आप शैम्पू करते हो ना उस टाइम पे शैम्पू में हल्के बादाम की जो खुशबू है, जो बादाम आर्गन ऑयल की जो खुशबू है वो महसूस होगी। और रियली में तेल और शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ ये रिव्यू जो है मैं शेयर कर रही हूँ, और वो भी आप लोगों के कहने के बाद ही मैं शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी शायद मैं शेयर ना करती ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूस मैं यूज़ कर ही रही हूँ। तो जी अभी मैंने सिर धो लिया, अभी चलते हैं सुखाने के लिए, क्योंकि फिर जो है मुझे बच्चों के लिए दोपहर का लंच वंच वगैरह कुछ देखना है, बनाना है कुछ। और चलिए अभी मैं सुखा लेती हूँ बालों को अच्छे से, क्योंकि मैं जो है बालों को कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि ड्रायर से मैं सुखाती हूँ, मैं जो है नॉर्मल जो अगर धूप से सूख जाते हैं तो मैं वैसे बालों को सुखाना प्रेफर करती हूँ। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं ना तो ये देखिए सारे बच्चे एक बार सुबह सुबह और एक बार जो है वो दोपहर शाम को, और अगर मान लो एक बच्चे की आवाज़ भी दोपहर को लग जाए तो सारे बच्चे बाहर गली में जो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ गली में ना सारी लेडीज़ थी तो मैं उन्हीं से बातें कर रही थी और हम लोग हंस रहे थे,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।